कर्नाटक में कांग्रेस इस समय एग्जिट गेट पर खड़ी है। कांग्रेस के बड़े किले कर्नाटक को घेरने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मोर्चा बंदी शुरू कर दी है और आज कांग्रेस के गढ़ मैसूर में उन्होंने खुला ऐलान कर दिया कि कर्नाटक में कांग्रेस का वक्त खत्म हो चुका है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और कर्नाटक की जनता को कहना चाहता हूं कि सिद्धरामैया सरकार का समय अब समाप्त हो चुका है। कर्नाटक का किला फतह करने के लिए अमित शाह ने त्रिकोणीय रणनीति तैयार की है, जिसमें एक तरफ मठ दर्शन का कार्ड है, दूसरी ओर सिद्धारमैया सरकार का भ्रष्टाचार है और तीसरी तरफ बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा है। हम हिंदुत्व के लिए बात करते हैं तो वो समझते हैं उनका हिंदुत्व ही हिंदू है, हिंदुस्तान में वो जो कहते हैं वही हिंदू। चुनावी विजिट है ये, अभी याद आ रहा है सबको, 5 साल के बाद पहले क्यों नहीं आया। कर्नाटक के इंचार्ज प्रकाश जावेडकर जी से 10वीं और 12वीं के पेपर तो करवा नहीं पा रहे, कर्नाटक का संचालन क्या खाक कर पाएंगे? शाह जी के झूठे हथकंडे और ओछे जुमले कर्नाटक में चलने वाले नहीं, क्योंकि देश की जनता भाजपा और अमित शाह जी की असलियत को पहचान चुकी है। खबर ये भी है कि लिंगायत समाज को अलग धर्म का प्रस्ताव पास करके कर्नाटक सरकार ने जो दांव चला है, बीजेपी और आरएसएस ने उसकी काट ढूंढ ली है। सीधे तौर पर इसे हिंदुओं के बंटवारे से जोड़ा जा रहा है। भेद के आधार पर दूसरों को चूसकर खाना, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षस धर्म है। उनको भगवान ने वैसा बनाया, वो वैसा करेंगे ही करेंगे। जिनको ये मानव धर्म निभाना, उनका काम है कि चाहे जितने प्रयास हो आपस में न बटे। तो दूसरी ओर सिद्धारमैया के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक चलकर अमित शाह ने सिद्धारमैया के वोट बैंक कहे जाने वाले अहिंदा वोटरों में सेंध लगाने का दाव चल दिया है। अल्पसंख्यक पिछड़े और दलितों को कन्नड़ में अहिंदा कहा जाता है। इसी रणनीति के तहत अमित शाह ने दलितों के बेहद प्रभावशाली मठ शरणा मथुरा गुरुपीठ के महंत मथुरा चेन्नैया स्वामी जी से 45 मिनट की लंबी मुलाकात भी की थी। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस मुक्त दक्षिण भारत की बीजेपी ने तैयारी कर ली है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विश्लेषण करेंगे कर्नाटक में हिंदुत्व के दाव का विश्लेषण। गुजरात के बाद कर्नाटक में हिंदू वोट बैंक बड़ा दाव है। हिंदू वोट बैंक के लिए अमित शाह का मठ दर्शन जारी है, जिस पर कांग्रेस बहुत तीखा प्रहार कर रही है, यहाँ कहें तो हमला कर रही है। सीधा अटैक अमित शाह पर, मठ पर, उनके मठ जाने को लेकर है। लिंगायतों को हिंदू धर्म से अलग करना कांग्रेस की एक बड़ा सियासी दाव है, जिससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कर्नाटक जीत से 2019 का दावा काफी दमदार होगा। हालांकि कहा जाता है जो कर्नाटक जीतता है वो देश नहीं जीतता, यह आमतौर पर बात कही जाती है। बीजेपी जीती तो कांग्रेस मुक्त दक्षिण भारत हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे साथ आज तमाम धुरंधर है इस फ्राइडे ब्लॉकबस्टर डिबेट शो के अंदर। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अपनी बात रखेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह है कांग्रेस पार्टी के सबसे तीखे प्रवक्ता, इनको मैं मानता हूं अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। दानिश अली है प्रवक्ता जेडीएस के। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जो कि पॉलिटिकल बात भी रखते हैं और धर्माचार्य भी हैं। मेरे साथ रामकृपाल सिंह है, इस देश के जाने माने पत्रकार, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह, इस डिबेट की शुरुआत मैं आपसे करता हूं, आखिर आपको क्यों लगता है जी कि हिंदुत्व पर अमित शाह इस चुनाव को लेके जाना चाहते हैं, और हिंदुत्व क्या आपकी दुखती रख है, इसीलिए आपको समस्या है? मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू अखिलेश जी। देखिए, हमें कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है जी, हम राजनीति करने के लिए और राजनीति के माध्यम से समाज और राष्ट्र और यहाँ की मानवता को अग्रसार करने, उसे हर तरह से मजबूत करने के लिए आए हैं। धर्म या जाति एक निजी आस्था का विषय है,
इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी राजनीति में है वो राजनीतिक बात करें, अपने कार्यक्रमों, योजनाओं, क्रियाओं, भविष्य, वर्तमान, भूत में जो भी किया गया है या करने वाले आप है उसका बात करिए। आज आपने जो अभी एक शुरू में बात कही कि अमित शाह जी ने कहा कि समय आ गया है, जी समय तो शाह और साहब के जाने का आ गया है। कैसे लगता है आपको शाह और साहब के, यानी शाह और जाने का समय आ गया है? उस पर अपनी राय रखिए आप, 30 सेकंड। हाँ, वो इसलिए कि देखिए सच्चाई जुबान पे बार बार आ ही जाती है। उन्होंने जो दुनिया कहती है वो कह दिया कि येदुरप्पा जी नंबर वन है भ्रष्टाचार में, वो कही दिया उन्होंने, उनके ट्रांसलेटर ने कही दिया कि ये अमित शाह वो ठीक है, वो अमित शाह जी की रैली में आज दलितों ने आवाज उठाई कि भाई आप जिसको दलितों के खिलाफ जो बोलते हैं उनको आप प्रोत्साहित करके मंत्री बनाते हैं, आपकी क्या राय है उनके साथ किस तरह से बदतमीजी की, कि जो दलितों का या जो गरीब है या जो नौजवान है जो विद्यार्थी है उनके पीछे पर नहीं बोलेंगे। ओके, पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा परेशान है। संबित पात्रा, आखिर क्यों लगता है आपको कर्नाटक में कांग्रेस एग्जिट गेट पे खड़ी है? प्रधानमंत्री ये बोलते हैं, अमित शाह कहते हैं आखिरकार कांग्रेस का समय समाप्त हो गया कर्नाटक में, क्यों लगता है आपको, बताइए। देखिए अमीश भाई, पहली बात तो है जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई अखिलेश जी ने डिबेट को आरंभ किया और कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, इतने बड़े विषय को कहने के लिए आइंस्टाइन के जैसे जो डिस्कवरी की है उसके लिए आज उनको पारितोषिक देना चाहिए कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, जैसे हमको पता नहीं था। दूसरी बड़ी बात है, ऐसा क्यों अमित शाह जी ने कहा और मोदी जी ने कहा कि आज कांग्रेस समाप्ति के कगार पे खड़ा है कर्नाटक पे? अमीश भाई, केवल कर्नाटक पे ही नहीं, अपने दुष्कर्मों के कारण, अपने दुष्कृत्यों के कारण भारत की राजनीति में जिस प्रकार के दुष्कृत्य कांग्रेस ने किया है आज भारत की राजनीति के एग्जिट गेट पे खड़ी है, केवल कर्नाटक पे ही नहीं। और अमीश भाई मैं बताऊं, आप याद करिए, यही अमीश देवगन, यही चैनल और यही पैनल उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले हम कैसे लड़ते थे चिल्ला चिल्ला कर, और मेरे बड़े भाई, प्यारे बड़े भाई जिनको आज मैंने आइंस्टाइन का उपाधि भी दिया है, अखिलेश जी कहते थे कि आप लोग बिल्कुल साफ हो जाएंगे, कहीं भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आएगी। और कुल मिला के मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूं, केवल रिजल्ट बोल रहा हूं, 5 सीट उनको मिली है। तो इसलिए जब अमित शाह कुछ कैलकुलेशन के साथ कहते हैं तो आप उस कैलकुलेशन पर भरोसा रखिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस राज्य में 3,781 फार्मर्स अर्थात किसान वो आत्महत्या करते हैं 3 वर्षों में, आपको लगता है क्या उस राज्य में कभी भी सिद्धरमैया जी आ सकते हैं फिर से लौटकर? आप जानते हैं, आप अगर कन्नड़ समझते होंगे और कर्नाटक में जाते होंगे आपको जान के आश्चर्य होगा, विथ रेस्पेक्ट सिद्धरमैया जी को कर्नाटक में लोग कहते हैं निद्दा रमैया, निद्दा मतलब कर्नाटक में स्लीपिंग अर्थात सोना होता है, वो हमेशा सोए रहते हैं, इसलिए उनको निद्दे रमैया कहा जाता है कर्नाटक के अंदर। 70 लाख की घड़ी पहनते हैं, और इसी कर्नाटक में नॉर्थ कर्नाटक की राजनीति को जो समझते हैं वो बताएंगे आपको कि हफ्ते में एक दिन पीने का पानी मिलता है। नहीं नहीं, अब थोड़ा आधा मिनट मुझे हिंदुत्व के बारे में बोलने दीजिए, मुझे बोला 26, ठीक है 26 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और संघ के, उनको सड़क के बीच में मार दिया गया, किसी को चाकू गोद के, किसी का गला काट के। ये जो आत्माएं गई है ना स्वर्ग को, इन आत्माओं का जो श्वास है वो कभी निरर्थक नहीं जाएगा। आज मैं आपको बता लिखित रूप से बता रहा हूं, ये जो इसमें हंसने, रावण की तरह मत हंसिए मेरे भाई, ये रावण की तरह मत हंसिए, मैं मरे हुए लोगों की आत्माओं के विषय में बोल रहा हूं, ये बिल्कुल रावण की तरह लग रहा है। हा हा हा, नहीं किसी भी पार्टी के लोग मरे हो इस प्रकार मत हंसिए, मैं आपको वार्निंग देता हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं, मगर मरे हुए, देखिए राजीव जी और इंदिरा जी के मौत पर हम कभी नहीं हंसते, कभी मुस्कुराते नहीं, संवेदनशील मामला है, हमारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, आप उसमें हंस रहे हैं, हा 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 करके हंस रहे हैं, अरे 26 हमारे कार्यकर्ता मारे गए आप हंस रहे हैं, अरे रावण जैसे हंस रहे हैं, अरे दशानन दशानन दशा अंग्रेजों के साथ थे,
मैं आज सवाल पूछता हूँ, सोनिया गांधी क्या रानी लक्ष्मीबाई थी? वो कहाँ से लड़ रही थी बताइए? खड़ग लेके सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के माताश्री और पिताश्री कौन से जिला से लड़ रहे थे? हंस रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं की मौत पे हंस रहे हैं? अरे दशानंद राय, आज से आपका नाम दशानंद राय है। दशानंद राय कर्नाटक का चुनाव आएगा 15 अप्रैल को, जब गिनती होगी दशानंद आप याद रखना, आप उस दिन पर्दाफाश होंगे, आपको उस दिन एक्सपोज किया जाएगा। दशानंद इस प्रकार से किसी के मौत पे आप हंस रहे हैं? हिंदुओं के मौत पे हंसने वाले हिंदुओं के दुश्मन? अरे हिंदुओं के मौत पर हंसने वाले हिंदुओं के दुश्मन? हिंदू आपको जवाब देगा, हिंदू आपको जवाब देगा, याद रखना। और ये अरे भैया, मुस्लिम लीग के साथ 2010 तक सरकार चलाने वाले, मुस्लिम लीग से समर्थन लिया हुआ था आपके अखिलेश ने 2010 तक, के मौत पर ठहाके लगा के हंस रहे थे? नहीं अमीश जी, मैं तो इनके बीच में बोला नहीं, मुझे 10 सेकंड में कंप्लीट करने दिया, मुझे 10 सेकंड में कंप्लीट करने दिया जाए, मैं तो इनके बीच में आप भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, नहीं नहीं बाकी लोग आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। अमीश जी सुन लीजिए, आपके 1.5 मिनट में मैंने नहीं बोला, में सुन लीजिए, मेरी एक ऑब्जेक्शन को दर्ज कर लीजिए अमीश भाई एक ऑब्जेक्शन को दर्ज कर लीजिए जी, ऑब्जेक्शन को 5 सेकंड में दर्ज, आप ऑब्जेक्शन को दर्ज कराइए, बीच में ना बोले तो मैं बोलूंगा। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आप इनके अंग्रेजों की तरफ से रिक्वेस्ट करिए कि मुझे सिर्फ 5 सेकंड में, आप अपने ऑब्जेक्शन दर्ज करिए, 5 सेकंड में ऑब्जेक्शन को दर्ज कराइए, बताइए। देखिए, मैं बहुत संवेदनशील हिंदुओं के मृत्यु और हत्या के बारे में कह रहा था, हा करके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने हंसा है, बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उनके मौत पर अखिलेश प्रताप सिंह ने जिस प्रकार का हंसी हंसा है ठहाके लगाकर, मुझे लगता है हिंदुओं से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, हिंदू इसका जवाब देगा। आप हिंदुओं के मौत के ऊपर अखिलेश प्रताप सिंह इस प्रकार से हंसेंगे हिंदुओं के मौत के ऊपर? अखिलेश प्रताप सिंह, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? एक ऑब्जेक्शन रेज करा है, व्हाट इज योर टेक अखिलेश प्रताप सिंह? योर टर्न, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 40 सेकंड्स फॉर योर अखिलेश जी। अरे कोई ऐसी बात नहीं है जो संबित बड़ी गंभीरता की बात करते हो, इनकी बात को गंभीरता से देश ले रहा हो? नहीं नहीं, हिंदुओं की मौत, 26 हिंदुओं की मौत की खरखा दुकान चला रहा, बीच मत बोलो, ये खरखा जो मैंने, अरे रावण के बीच में बोलना चाहिए, ये जो रावण बन के आए हैं आज प्रवक्ता बन के, रावण के बीच में बोलना चाहिए, रावण को रोकना चाहिए, इसलिए हिंदू कह रहे, हिंदू 1925 के पहले भी थे, भैया 26 हिंदुओं को आपने सड़क के बीच मार दिया, और मैं संवेदनशीलता जाहिर कर रहा था तो आप ठहाके मार के हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे? अगर मैं अली और मोहम्मद की बात कर रहा होता तो आप आंसू बहा रहे होते? आप ठहाके मार के हंसते नहीं? हिंदुओं को बरगलाते हैं, हिंदुओं की भावनाओं से खेलते हैं। अरे भैया, हिंदुओं को ध्वंस करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने लिया हुआ है ना, हिंदू इसका जवाब देगी, याद रखना। अरे दशानंद, आप आज हिंदुओं के मौत पे हंस रहे थे, हिंदू इसका जवाब देगा बंगाल में, अरे अहिंदा मुस्लिम जवाब देगा हिंदू इसका, याद रखना। उप मुख्यमंत्री थे ये जो ये नकली जगह, ओके ओके ओके, आप दोनों वन ऑन डिबेट नहीं है, होल्ड ऑन, ये वन ऑन वन डिबेट नहीं है, होल्ड ऑन, मैं हम्बल रिक्वेस्ट, होल्ड ऑन, ओके नाउ आचार्य प्रमोद कृष्णम, अब आपको समझ में आ रहा है कि हिंदू वोट कितना इंपॉर्टेंट है? अब आपको समझ में आ रहा है कि कर्नाटक के अंदर क्यों कहा जा रहा है कि हिंदुत्व का नाटक जोरों पर है? कर्नाटक के अंदर क्यों कहा जा रहा है कि आखिरकार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता, अखिलेश जी रुक जाइए, बाप मठ दर्शन कर रहे हैं, व्हाट इज योर टेक? और अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कांग्रेस कर्नाटक के एग्जिट गेट पे खड़ी है, और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं बीजेपी ध्रुवीकरण से सिर्फ जीतना जानती है और चाहती भी है, लेकिन कर्नाटक में इताब नहीं चलने वाला। व्हाट इज योर टेक ऑन कर्नाटक इलेक्शन? आचार्य प्रमोद कृष्ण, ओवर टू यू सर। देखिए अमित देवगन जी, प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, अमित शाह जो कह रहे हैं, वो उन्हें कहना चाहिए, क्योंकि वो वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उन्हें अपने विरोधी दल को डिमोलाइज करने के लिए, उनको एक तरह से उनका मॉरल डाउन करने के लिए बिल्कुल कहना चाहिए कि वो अब उनके समय समाप्त हो गया। कांग्रेस भी कह रही है, जैसे अभी अखिलेश प्रताप जी ने कहा कि अमित शाह और उनका शाह का समय समाप्त हो गया। मैं इस बीच में अपनी बात ये रखना चाह रहा हूं कि आज क्या कांग्रेस हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रही है, लिंगायत को अलग धर्म करके, क्योंकि बार बार बीजेपी का स्ट्रेस है। अमित देवगन जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है ये
किसी भी राजनीति के लिए सत्ता पाने के लिए धर्म का विभाजन ठीक नहीं है, लेकिन आपको लगता है यहाँ जो कर्नाटक आपको लगता है सर, हाँ कर्नाटक में जो हुआ है वहां लिंगायतों ने और उनके धर्मगुरुओं ने उनके संतों ने मिलकर के चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि ये सब दुनिया जानती है, चीफ मिनिस्टर ने और कर्नाटक की सरकार ने थोपा नहीं है कि हिंदुओं का विभाजन कर दिया हो, लेकिन मैं फिर भी इस विभाजन के पक्ष में नहीं हूं, बट उनके संतों के द्वारा मांग करने के बाद यूपीए के दौर में ये बात नकार दी गई थी। अब मेरी बात 2013 के अंदर फॉरेन इन्फॉर्मेशन, अब आदरणीय संबित पात्रा जी यहाँ बैठे हैं, अब मैं वो भाजपा के प्रवक्ता हैं और उनकी पार्टी की सरकार है, कर्नाटक सरकार ने एक प्रस्ताव किया और वो केंद्र सरकार के पास भेज दिया। अब अगर हिंदुओं का विभाजन रोकना चाहती है भारत की सरकार, तो हिंदुओं की सरकार है, तो इसे वो प्रस्ताव को रद्द कर देना चाहिए, कर्नाटक सरकार को वापस कर देना चाहिए, बजाय इसके कि ये चिल्लाया जाए कि भाई आप दशानन हो, आप मेघनाथ हो, आप कुंभकर्ण हो, आप रावण हो, दूसरे विषय पे हुआ वो ठीक है, उन्होंने अपने 26 कार्यकर्ताओं की मौत का जिक्र किया, मुझे ऐसा लगता है कि डिबेट को इस गंभीरता के साथ लिया जाए, बीजेपी ना ओके पात्रा, योर रिस्पॉन्स टू आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, मेक योर पॉइंट डॉक्टर पात्रा, 40 सेकंड्स। देखिए अमीश भाई देखिए यहां पर सबको सब कुछ का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है, अखिलेश जी मुझ पर अटैक कर सकते हैं राजनीतिक तरीके से, अमित भाई राहुल गांधी पर अटैक कर सकते हैं राजनीतिक तरीके से, मगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी धर्म के कार्यकर्ता के अगर मौत के विषय में मैं बात कर रहा हूं और ठहाके मार के अखिलेश जी हंसते हैं और मौन मौन तरीके से आचार्य प्रमोद जी मुस्कुराते हैं, मुझे तकलीफ का समर्थन नहीं कर रहा, मुझे बहुत तकलीफ होती है, आपको कोई गलत नहीं कह रहा, लेकिन मेरा सवाल आपसे इतना है आचार्य जी, मैं समित जी समित वो विषय नहीं है, विषय ये है समित मात्र जी, विषय ये है कर्नाटक सरकार है जी, लेकिन विषय ये है समित जी, समित पात्रा जी, डॉक्टर समित पात्रा जी, सवाल आपका सुन लिया है, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए आचार्यवर, शांत होके सुनिए, मैं आपसे बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता हूँ, आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए जहां तक लिंगायत का सवाल है, बिल्कुल सही बात है, लिंगायतों का बहुत सम्मान होना चाहिए और आखिरकार बीएस येदुरप्पा जो हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं वो खुद लिंगायतों के इष्ट मतलब बड़े हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनको सभी लोग मानते हैं और लिंगायत भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी तो लिंगायतों का हित ही चाहेगी, हम थोड़ी कांग्रेस पार्टी है जिसने एक लिंगायत चीफ मिनिस्टर को धक्के मार के निकाल दिया था और तब से लिंगायतों ने प्रण लिया था कि कांग्रेस की सरकार नहीं आने, धर्म का सवाल है, जवाब दे रहा कर्नाटक सरकार ने काम किया। आपके हिसाब से कर्नाटक सरकार ने लिंगायतों को अलग अल्पसंख्यक दर्जा देके हिंदू धर्म का विभाजन किया, तो आपकी सरकार प्रस्ताव को वापस कर दे, ठीक है जवाब 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 खत्म हो जाएगा, थोड़ा वापस करेंगे नहीं करेगी, जवाब दे दीजिए, वापस कर दीजिएगा, रद्द कर दीजिएगा, सुनिए देखिए आचार्यवर, सुनिए आचार्य जी, आप वैसे तो आप कांग्रेस से चुनाव लड़े मगर शायद कुछ विषय आपको पता आप नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हुई थोड़ी ये पब्लिक नहीं, मगर प्यार से कह रहा हूँ डॉक्टर, प्यार से कर रही है, सुन तो लीजिए, मैं तो ये प्रार्थना कर रहा था, सुन लीजिए जवाब आपको, लेकिन आप मुझे हम तो यहाँ कार्यकर्ता है, हमको कहीं नहीं जाना है साहब, हम आपको हमको कहीं नहीं जाना है, हम राजनीति में ही बने रहेंगे, हम आचार्य नहीं बन जाएंगे, रामकृपाल जी जब बोलेंगे मैं बिल्कुल सुनूंगा, लेकिन समित पात्रा जी ने जवाब नहीं दिया, भारत सरकार कर्नाटक के प्रस्ताव को एक मिनट दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर आपने बीच में टोका रामकृपाल सिंह, मैं आपसे पूछता हूँ क्या कर्नाटक चुनाव में हिंदू धुर रही है, सीधा सवाल। देखिए आपका सीधे सवाल का मैं एक जवाब दे रहा हूँ, 32 साल पहले जी, शायद आप लोगों को याद हो, मैं याद दिलाऊंगा, 32 साल पहले सन 84 दिसंबर में या 85 मान लीजिए उसको, राजीव गांधी को कर्नाटक में जब उनको 400 सीटें मिली थी, कर्नाटक की जनता ने थंपिंग मेजॉरिटी से स्वीप किया, कांग्रेस ने, कर्नाटक के वोटर्स ने सारी पार्लियामेंट की सीटें करीब करीब मतलब उनको सौंपी, उसी के ठीक 2 महीने के बाद कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हुआ और कर्नाटक के वोटर ने अपने राज्य के लिए रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी को चुना, कहने का मेरा यह अर्थ धर्म की राजनीति कीजिए, जाति की राजनीति कीजिए, वो कीजिए, आम वोटर जो है, मैं 32 साल पहले कर्नाटक की जनता को सलाम करता हूं कि वो अपनी रिक्वायरमेंट उसकी जरूरतें क्या है वो अच्छी तरह जानती है, तो सुनिए आपका ये जो है ना, पहली बात हमारा संविधान नहीं कहता है कि हम धर्म की राजनीति वो करें, कोई कर रहा हो, देखिए
केवल मेकअप से आपकी आइडेंटिटी नहीं बदल जाती है, पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सब सारी चीजें मुझे जनता की बुनियादी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूँ बड़ी इनसाइड स्टोरी लेकर, क्योंकि ये बड़ी इनसाइड स्टोरी बहुत कुछ रिवील करेगी। अनमिसेबल टुनाइट, डू वॉच आफ्टर ब्रेक। दलितों के प्रभावशाली मठ शरणा मधुरा गुरु पीठ गए अमित शाह। पीठ के महंत मधुरा चेन्नैया स्वामी से बहुत लंबी मुलाकात हुई, करीब 45 मिनट की मुलाकात चली और समझा ये जा रहा है कि सेंधमारी वहां पर होगी। और अब मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का, मैं सीधा आपके पास आता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, आप तो विकास की बात करते हैं, आप किसान की बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी क्यों इस चुनाव में मठ मंदिर और हिंदुओं से लिंगायतों को अलग करने के एजेंडे पे काम कर रही है? विकास कहां है? चार पांच साल में आपने वो कहां है? वो एजेंडे में तो गायब दिख रहा है पूरी तरह से। 90% ये है और 10% वही बाकी पॉलिटिक्स से, बताइए ना। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, वहां पे सिर्फ विकास और काम ही मुद्दा है। अबे मुझे बोलने दे, मैं बोलने दूंगा सर, पर ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मैंने आपको फैक्ट के साथ बात बताई, राज्य है, मैंने फैक्ट के साथ आपको बात बिठाई, मैं बता रहा हूँ। राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, मठ जा रहे हैं, लिंगायत को अलग धर्म करा जा रहा है हिंदुओं से, ये हो रहा नहीं हो रहा? समय व्यर्थ करने से मुद्दा है, अब मुझे बोलने दे, मैं बोलने दूंगा सर, पर ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मैंने आपको फैक्ट के साथ बात बताई, राज्य है, मैंने फैक्ट के साथ आपको बात बिठाई, मैं बता रहा हूँ। राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, मठ जा रहे हैं, लिंगायत को अलग धर्म करा जा रहा है हिंदुओं से, ये हो रहा नहीं हो रहा? समय व्यर्थ करने से आपको वो नहीं दिखेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं, हिंदुत्व की बात हो रही है। अरे सुनिए जी, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, भाजपा प्रवक्ताओं के काट लेते हैं आप लोग, मतलब मुझे थोड़ा बोलने तो दें। बोलिए हम वही रहे हैं, आप चैनल पर दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे हम यही बात कर रहे हैं। अच्छा। वो लोगों को, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है तो, लेकिन वहां की जनता को दिख रहा है। सीतारामैया जी पिछले 4 महीनों से पद यात्रा पे थे, उन्होंने अपनी उपलब्धियां, अपने कार्यक्रम, अपने जो किया है उसका बांधकर 156, 157 या 158 घोषणाएं थी, जिसमें से 7 छोड़ के कर्नाटक की सच्चाई बताता हूँ, ये 4 पॉइंट गांठ बांध लीजिए, काम आएंगे आपके चुनाव के अंदर। पूरे थे तो उत्पीड़न कर्नाटक के अंदर है, सुनिए, देश में 30% दलित उत्पीड़न अकेले कर्नाटक के अंदर है। 2013 से 2017 के बीच 3515 किसानों की आत्महत्या की है, पॉइंट ये है। तीसरा, चौथा बड़ा है, ये असली मुद्दे, इन 5 पार्टियों को गांठ बांध दीजिए, चुनाव में आपके काम आएंगे। और संबित पात्रा अगले नंबर, इसी आवाज में पूछूंगा मैं, रुकिए, बहुत हुआ ये तमाशा। आपसे सीधे सवालों के जवाब चाहूंगा, देश के लोग जवाब चाहते हैं। संबित पात्रा, आपके लिए मठ चुनाव है, मंदिर चुनाव है, या कर्नाटक का देश का विकास भी चुनाव है, बताइए ना मुझे। इस देश का युवा क्या चाहता है? आप चाहते हैं इस देश का युवा वहां भ्रष्टाचार के विषय को तो रखा, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ है। आपका प्लान क्या है? व्हाट इज योर प्लान? हमारा प्लान एक ही है, 2014 से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने मुझे जो मठ के बारे में पूछा था उसका जवाब दे सकता हूं क्या मैं? मठ के बारे में जो पूछा था, और जो जी देखिए जहां तक मठ महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए हिंदू भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि मुसलमान भी महत्वपूर्ण है, मगर जिस प्रकार से सिद्धरमैया ने 2015 में 175 PFI के एक्टिविस्ट उनको छोड़ा जो हत्या में संलिप्त थे, देश को विड्रॉ कर मुस्लिम के एजेंडा, मेरा एजेंडा नहीं है भैया, ये हकीकत है। क्या ये हकीकत नहीं है कि सिद्धरमैया जी ने कहा तमाम मुसलमानों के खिलाफ जो केस हो रहा है उसको निकाल दीजिए?
खाते में जाने वाला है, अच्छे दिन आने वाला है। एक तो मैं आज बड़ी मुझे खुशी हो रही है, साफ हो गई। अरे एक तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप जी को से संबंध है और धर्म के आधार पर इस देश की अब राजनीति घूम रही है, इससे कांग्रेस प्रवक्ता को ऐतराज क्या है? कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय अखिलेश प्रताप जी जब बाकी बातें आती हैं तो उसमें अग्रणी रहते हैं, लेकिन धर्म की बात आती है वो पीछे क्यों हटते हैं? इस देश की राजनीति में धर्म एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, और अगर ये मुद्दा नहीं बनता अखिलेश जी, तो भारतीय जनता पार्टी जैसी बहुत बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, अंबेडकर में राम न ढूंढती, और आज उन्होंने अंबेडकर में राम ढूंढ लिया। अंबेडकर में राम मतलब क्या है सर? उनका ओरिजिनल नाम है, सुनिए, अंबेडकर राम जी सर, उनका नाम है ओरिजिनल। अगर गोरखपुर, ये सच्चाई है, अरे ये सच्चाई है, गोरखपुर का चुनाव नहीं हारते तो अंबेडकर में राम नहीं ढूंढते। और आप यकीन करना, अगर एक चुनाव और हार गए तो माननीय काशीराम में भी कृष्ण ढूंढेंगे, समझे? राम नाम से इतनी घृणा क्यों है इन पॉलिटिक्स? ठीक है, अमित जी, देखिए आपको बताऊंगा, आई प्रॉमिस। अखिलेश जी, मैं भी यहां हूं, बहुत देर से बैठा हुआ हूं। विकास की बात करते हैं आप, किसान की बात करते हैं आप, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी क्यों इस चुनाव में मठ मंदिर और हिंदुओं से लिंगायतों को अलग करने के एजेंडे पे काम कर रही है? विकास कहां है? चार पांच साल में आपने काम क्या किया है, वो कहां है? वो एजेंडे में तो गायब दिख रहा है पूरी तरह से। 90% ये है और 10% वही बाकी पॉलिटिक्स से, बताइए ना। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, वहां पे सिर्फ विकास और काम ही मुद्दा है। अब मुझे बोलने दें, मैं बोलने दूंगा सर, पर ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मैंने आपको फैक्ट के साथ बात बताई, राज्य है, मैंने फैक्ट के साथ आपको बात उठाई, तो बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ अखिलेश जी, कृपया करके बताइए, आप मंदिर मठ लिंगायतों को अलग धर्म बनाने से ऊपर नहीं बढ़ रहे? मुझे उत्तर देने दें, के चुनाव के अंदर मुझे मामला ये है, वैसे आप बड़ी रोजगार की बात करते हैं, क्यों हो रहे हैं जी इतने परेशान, व्यथित, हलाकान क्यों लग रहे हैं? उत्तर ले लीजिए, प्लीज बताइए, सब देश सुन लेगा उत्तर। जी जी जी, मैंने कहा कि ये सब अफवाह आप लोग फैलाते हैं, जो आंकड़े हैं कर्नाटक हिंदुस्तान में जितना भी इन्वेस्टमेंट जिस राज्यों में आ रहा है, अकेले कर्नाटक में लगभग 40% इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और नंबर एक है उत्तर हिंदुस्तान का राज्य कर्नाटक, जहां पे इतनी बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सर, तो ये बात गिनाइए ना, ये बात गिनाइए ना तरीके से। अरे ये बात तो गायब है। अरे अब आपको वो नहीं दिखेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं, हिंदुत्व की बात हो रही है। अरे सुनिए भाई, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, भाजपा प्रवक्ताओं के कान काट लेते हैं आप लोग, मतलब मुझे थोड़ा बोलने तो दें। बोलिए बोलिए बोलिए, हम गिना रहे हैं आप, हम आप चैनल पर दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे हम यही बात कर रहे हैं। अच्छा। वो लोगों को, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है तो, लेकिन वहां की जनता को दिख रहा है। सीतारामैया जी पिछले 4 महीनों से पद यात्रा पे थे, उन्होंने अपनी उपलब्धियां, अपने कार्यक्रम, अपने जो किया है उसका बांधकर 56, 57 या 58 घोषणाएं थी, जिसमें से 7 छोड़ के सारी आपके हमारे जो लीडर हैं लोकसभा में उन्होंने खुद बताई। सर, मैं आपको बता दूं, नहीं नहीं सर, 5 छोड़ करके पूरी की जा चुकी है, सब पूरी की जा चुकी है, सब लफाजी कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं असली मुद्दे क्या है सर। अरे भाई, आप कर्नाटक के, मैंने आपको 1.5 मिनट दिया, आपको मैंने 1.5 मिनट दिया, ओवरऑल 2.5 मिनट दिए। सुनिए, 7:30 बज चुके हैं, शाम के 7:26 मेरे इस डिबेट को दोबारा भी ओपन कर, 4 मिनट हो गए आपके पास सिर्फ सवाल का जवाब आपको नहीं मिल पा रहा। अखिलेश जी आप बहुत विकास की बात करते हैं, आप बहुत किसान की बात करते हैं, आप बहुत रोजगार की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कर्नाटक के असली मुद्दे क्या है, मैं आपको कर्नाटक की सच्चाई बताता हूं। ये 4 पॉइंट गांठ बांध लीजिए, काम आएंगे आपके चुनाव के अंदर। पूरे देश में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न कर्नाटक के अंदर है। सुनिए, देश में 30% दलित उत्पीड़न अकेले कर्नाटक के अंदर है। 2013 से 2017 के बीच 3515 किसानों की आत्महत्या की है। पॉइंट ये है तीसरा। चौथा पॉइंट सुनिए, अप्रैल 2008 से अप्रैल 2012 के बीच में 1125 किसानों की आत्महत्या की है। ये चौथा पॉइंट है। 2015 के मुकाबले 2016 में महिलाओं के प्रति अपराध
186% बढ़ा है। ये असली मुद्दे हैं। इन पांच पार्टियों को गाल बात दीजिए, चुनाव में आपके काम आएंगे। और संबित पात्रा अगला नंबर आपका है। रुकिए अब आप, रुकिए अखिलेश जी, ऑल द रन डन, यू पॉलिटिक्स, आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ हिंदू धर्म के इधर आसपास चक्कर लगा रही है और पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं आप लोग। रुकिए संबित पात्रा, मैं आपका रुक करता हूं। होल्ड, अखिलेश प्रताप सिंह, यू मेड योर पॉइंट नाउ, ओके, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, अखिलेश प्रताप सिंह किए थे वो कितने पूरे, रुकिए आप, मैंने कहा ये कर्नाटक का चुनाव है, देश का चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी की बात है 2019 में, इसी आवाज में पूछूंगा मैं, अरे इसी आवाज में पूछूंगा मैं। रुकिए बात, रुकिए, बहुत हुआ ये तमाशा। आपसे सीधे सवालों के जवाब चाहूंगा, देश के लोग जवाब चाहते हैं। संबित पात्रा, आपके लिए मठ चुनाव है, मंदिर चुनाव है, हिंदू धर्म चुनाव है, या कर्नाटक का देश का विकास भी चुनाव है? बताइए ना मुझे, इस देश का युवा क्या चाहता है? आप चाहते हैं इस देश का युवा सिर्फ मंदिर मठ में बैठे और इससे आगे ना बढ़े? हाँ तो करा, बताइए सर, इस देश के युवा के लिए क्या है प्लान आपका? कर्नाटक के लिए क्या है प्लान आपका? बताइए आप मुझे। पर्चे तक तो समाप्त, कभी कोई निंदायत की बात कर रहा है, इससे आगे कहानी नहीं बढ़ रही, बताइए। नहीं, आपने एक वाजिब प्रश्न पूछा है कि क्या मुद्दा है। देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी 3 दिन पहले किया, उन्होंने पूरे मुद्दों को गिनवाया। किस प्रकार से किसान का मुद्दा सर, सबसे नंबर वन मुद्दा है आज की डिबेट में, जो मैंने मुद्दे गिनाए, जो मुझे गिनाने पड़े अभी डिबेट के अंदर, मैं आपको उसी का उत्तर दे रहा हूं। अमीश भाई, मैंने कहा ना, अमित भाई जी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकालिए। पहला विषय जो उन्होंने रखा, उन्होंने किसानों के विषय को रखा है। उन्होंने 3,781 किसान जिन्होंने आत्महत्या की, उस विषय को रखा। दूसरा विषय जो उन्होंने रखा वहां भ्रष्टाचार के विषय को रखा। व्हाट इज योर प्लान? नहीं, हमारा प्लान एक ही है, किस प्रकार से किसान का मुद्दा सर, सबसे नंबर वन मुद्दा है आज की डिबेट में, जो मैंने मुद्दे गिनाए, जो मुझे गिनाने पड़े अभी डिबेट के अंदर, मैं आपको उसी का उत्तर दे रहा हूं। अमीश भाई, मैंने कहा ना, अमित भाई जी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकालिए। पहला विषय जो उन्होंने रखा, उन्होंने किसानों के विषय को रखा है। उन्होंने 3,781 की उस विषय को रखा। दूसरा विषय जो उन्होंने रखा वहां भ्रष्टाचार के विषय को रखा। किस प्रकार से आपका प्लान क्या है? व्हाट इज योर प्लान? नहीं, हमारा प्लान एक ही है। 2014 से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश के राजनीतिक विमर्श को बदला है, वो प्लान विकास का ही है। कह रहे हैं विकास के माध्यम से 10वीं और 12वीं की परीक्षा तो करवा नहीं पा रहे, कर्नाटक राज करेंगे आप? रणदीप सुरजेवाला ने ये बात बोली तो रणदीप जी को बोलिए ना, ये राहुल गांधी को बड़ा तो कर नहीं पा रहे हैं, देश को खाक राज करना चाहता है, उसको निकाल दीजिए। खाते में जाने वाला है, अच्छे दिन आने वाला है। एक तो मैं आज बड़ी मुझे खुशी हो रही है, भैया साफ हो गई। अरे एक तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप जी को करने चाहिए थे बीजेपी के प्रवक्ता से, वो उन्होंने नहीं किए, अमित देवगन ने किए, मैं आपको साधुवाद देता हूं। दूसरी बात यह है कि संबित पात्रा जी ने मेरी बात का जवाब बिल्कुल नहीं दिया। मैंने कहा था अगर कर्नाटक सरकार का लिंगायत को अल्पसंख्यक का दर्जा देना, धर्म से अलग करना ठीक नहीं है, तो भारत सरकार उसे रिजेक्ट करेगी या नहीं करेगी, अगर करेगी तो कब करेगी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि धर्म का राजनीति से संबंध है और धर्म के आधार पर इस देश की अब राजनीति घूम रही है, इससे कांग्रेस प्रवक्ता को ऐतराज क्या है? कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय अखिलेश प्रताप जी जब बाकी बातें आती हैं तो उसमें अग्रणी रहते हैं, लेकिन जहां धर्म की बात आती है वो पीछे क्यों हटते हैं? इस देश की राजनीति में धर्म एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, और अगर ये मुद्दा नहीं बनता अखिलेश जी, तो भारतीय जनता पार्टी जैसी बहुत बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, अंबेडकर में राम न ढूंढती, और आज उन्होंने राम ढूंढ लिया। अंबेडकर में राम तो क्या है सर, उनका ओरिजिनल नाम है, सुनिए, अंबेडकर राम जी सर, उनका नाम है ओरिजिनल। अगर गोरखपुर, ये सच्चाई है, अरे ये सच्चाई है, गोरखपुर का चुनाव नहीं हारते तो अंबेडकर में राम नहीं ढूंढते। और आप यकीन करना, अगर एक चुनाव और हार गए तो माननीय काशीराम में भी कृष्ण ढूंढेंगे, समझे? मैं तो अपने हिसाब से कहना चाहता हूँ, देश के अंदर धर्म की राजनीति हो रही है, कांग्रेस पार्टी राजनीति से अलग क्यों है? कैसे रेस्पॉन्ड करूं, सब लोग चिल्लाएंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? धन्यवाद अमीश भाई। जहां तक अम्बेडकर ने, कोई नहीं, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। देखिए, जहां तक बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर का सवाल है, उनके नाम में अगर राम जी है,
मैं ये समझ नहीं पाता हूँ सब लोगों को राम नाम से इतनी घृणा क्यों है इन पॉलिटिकल पार्टीज को। अरे राम को हमने ढूंढा नहीं, राम मौजूद थे बाबा साहेब में। खुद बाबा साहेब ने जो संविधान में हस्ताक्षर किया 8th शेड्यूल में, उन्होंने लिखा भीमराव रामजी अंबेडकर, उनके पिता का नाम भी रामजी सकपाल था। अगर और सर ये डिबेट में पहले पोस्टल स्टैंप भी रिलीज हुए में उस डिबेट में, फिर राम जी के नाम से घृणा क्यों कांग्रेस पार्टी को? मेरा सवाल है भाई, कांग्रेस इसमें आपत्ति क्यों कर रही है कि राम को हटाओ, राम को हटाओ, क्यों हटा रहे हैं? बिल्कुल नहीं है भैया, राम जी से घृणा क्यों है? अभी आचार्य जी भी कह रहे हैं राम को हटाओ, राम को हटाओ, राम को हटाओ, क्यों हटा दिया? ठीक है देखिए, मैं आपकी बात अखिलेश जी आपकी बताऊंगा, आई प्रॉमिस। अखिलेश जी मैं भी यहाँ हूँ, बहुत देर से बैठा हुआ हूँ, कृपया मुझे मुझे देखिए, आपका सवाल मेन था कि धर्म की राजनीति कर्नाटक में चलेगी या नहीं, बेसिक सवाल उस पे आइए आप। मैं आप एक बात बता दूं, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, बूटा सिंह और तिवारी जी को वहां भेज के शिलान्यास जगह पे खड़ा किया और पहली जन सभा अयोध्या में जाके की और कहा फैजाबाद में कि हम राम राज लाएंगे, और वो चुनाव हार गए, बहुमत नहीं मिला, 400 सीटों वाला वो सरकार। सर यहाँ क्या हो रहा है, मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, मैं एक लिंगायत को अलग धर्म किया जा रहा है? मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए, कृपया सुनिए जी। और आडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू हुई, भारत में पहली बार एवन प्लास्टिक फर्नीचर आएंगे, और वो चुनाव हार गए, बहुमत नहीं मिला, 400 सीटों वाला वो सरकार। सर यहाँ क्या हो रहा है, मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, मैं एक लिंगायत को अलग धर्म किया जा रहा है? मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए, कृपया सुनिए जी। और